वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। विस्फोटकों से लड़ी सैंट्रो कार, 2019 की तर्ज पर बड़े हमले की तैयारी। पुलवामा की राजपुरा रोड पर खड़ी थी विस्फोटकों से लड़ी कार, सेना ने आसपास के इलाके को खाली करवाकर सुरक्षित तरीके से कार में किया धमाका, कोई हताहत नहीं। कार में लगाई गई थी टू व्हीलर की फर्जी नंबर प्लेट, कठुआ के एक शख्स के नाम पर है टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा बलों को 4-5 दिन पहले मिल गई थी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी, एन मौके पर कार को तलाश कर आतंकियों के मंसूबों पर फेरा पानी। विस्फोटकों को डिफ्यूज करने के दौरान दूर तक सुना गया धमाका, कई घरों के शीशे टूटे, एनआईए को सौंपी गई मामले की जांच। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 194 लोगों की मौत, मौत का आंकड़ा 4531 तक पहुंचा। देश भर में कोरोना के कुल 158,333 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए, 6,566 नए केस। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तादाद बढ़ी, 56,00,000 से ज्यादा, अब तक 3,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक करीब 57,000 मामले। महाराष्ट्र में पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक कुल 1,897 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत, मुंबई में मौत का आंकड़ा 1,097 पर पहुंचा। मुंबई में अब तक 34,018 मामले 24 घंटे में सामने आए, 1,044 नए मरीज। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले, 24 घंटे में 646 मरीज, अब तक 17,700 से ज्यादा केस। गुजरात में 24 घंटे में 361 नए मामले, कुल 14,800 से ज्यादा मामले, अब तक 915 लोगों की गई जान। मुंबई के मरीन ड्राइव पर होटल फॉर्चून में लगी आग पर काबू, सभी 25 डॉक्टरों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल विभाग ने 5 डॉक्टरों को सीढ़ी की मदद से निकाला, रेस्क्यू के बाद ट्राइडेंट होटल में किया गया शिफ्ट। रायपुर में स्टेशन के पास एक होटल में आग, आसपास की दुकानें आग की चपेट में। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में बीएसईएस के खंभे में लगी आग, आसपास के घरों में फैला धुआं। घर के अंदर फंसी महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू, आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल। मुंबई में फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे मजदूर, घर वापसी और पहली हवाई यात्रा पर जताई खुशी। एयर एशिया से आए 180 प्रवासी मजदूर, मुंबई में छात्रों के ग्रुप ने की मदद। छात्रों के ग्रुप से अंडमान में फंसे लोगों को लाने के लिए 2 और फ्लाइट जल्द ही रांची भेजने का वादा किया। हरियाणा के झज्जर में विदेश लौटे 17 लोगों में से 4 मिले पॉजिटिव, होटल में थे क्वारंटीन। फिरोजाबाद के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव शख्स का हंगामा, गार्ड को पीटा, मौके पर बुलाई गई पुलिस। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह और डीएम सुहास LY ने किया कंटेनमेंट जोन का दौरा, लोगों को घरों में रहने की अपील। अधिकारियों ने दिलाया भरोसा, डोर टू डोर डिलीवरी की सुविधा का करें इस्तेमाल, एक मरीज होने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में। नोएडा में अब तक 366 कोरोना के मामले, 108 एक्टिव केस, 253 लोग हुए स्वस्थ। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में आए 10 नए मरीज, जिले में अब तक 245 कोरोना केस। गाजियाबाद में इस वक्त है 19 हॉटस्पॉट, एक्टिव केस की संख्या है 44। एनडीएमसी के ज्वाइंट डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव शहीद भगत सिंह प्लेस को 48 घंटे के लिए किया गया सील। दिल्ली पुलिस में कोरोना का कहर, अब तक 400 पुलिस वाले संक्रमित, 1,000 पुलिस वालों को किया गया है क्वारंटीन, हर थाने को सैनिटाइज करने के आदेश, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सदर बाजार को खोलने की मांग, सीएम से लगाई गई गुहार। व्यापारियों की अपील, 2 महीने से बंद है बाजार, करोड़ों का नुकसान, मजदूर बेरोजगार। बिहार के मधुबनी में क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत, पुणे से आया था मजदूर, क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन रखने के बाद मजदूर को बिना मेडिकल जांच के भगाने का आरोप, प्रवासियों ने खराब व्यवस्था के विरोध में की सड़क जाम। बिहार के कटिहार में स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर तनाव, गांव वालों ने की पिटाई, मजदूरों ने किया सड़क जाम। कोरोना संकट पर सरकार के खिलाफ RLSP नेता उपेंद्र कुशवाहा का धरना, कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर जताया विरोध। यूपी के गोंडा में भीड़ को दूरी बनाकर रखने की अपील, अस्पताल में हंगामा, गार्ड के साथ मारपीट। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाने में SHO राजीव कुमार पॉजिटिव, थाने में मचा हड़कंप। बरेली शहर में रामपुर गार्डन बना हॉटस्पॉट, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव। बरेली में अब तक 10 हॉटस्पॉट, 43 लोग कोरोना पॉजिटिव। अगरतला में महाराष्ट्र लौटे 18 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव, सरकार ने सभी 1,154 लोगों को टेस्ट कराने के दिए आदेश। महाराष्ट्र के पश्चिमी मिदनापुर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की बस में मौत, बस में सफर कर रहे थे 35 मजदूर।
कपूरथला में अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे करीब 150 किसान, कहा सरकार चाहे तो जेल भेज दे। कोरोना संकट के बीच मास्क की बड़ी मांग, लुधियाना में बन रहे डिजाइनर मास्क। भोपाल में खुल गए हैं बाजार, सरकार की गाइडलाइन के तहत हर सामान के लिए अलग अलग दिन तय। हिमाचल के सोलन में उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइंस, निजी स्कूलों से ले सकेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक, जबरन फीस लिए जाने पर जताई नाराजगी। बिहार के बाढ़ में कोरोना को 18 लोगों ने दी मात, 5 बच्चे बीमारी से स्वस्थ। इंदौर में 54 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, स्वास्थ्यकर्मियों की उतारी गई आरती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दूल्हा सहित 95 लोग क्वारंटीन, एक रिश्तेदार निकल आया था कोरोना पॉजिटिव। सूरत से 1600 श्रमिकों को लेकर आज 5वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन चित्रकूट पहुंची, स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान भीड़ दिखाई दी। यूपी के अमरोहा से सीतापुर के लिए निकले 7 बच्चे पहुंचे मुरादाबाद, पुलिस ने शेल्टर होम में भेजा। पटना में पुल उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली में दिन चढ़ते ही आसमान से बरसती आग, कल 47.6 डिग्री तक पहुंच गया था पारा। हरियाणा में कई जगहों पर साफ आसमान पर सूरज हिसार में 48 डिग्री पर अधिकतम तापमान। कोलकाता में फिर से आई तेज आंधी, कल देर रात तक हुई बारिश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आंधी और तेज बारिश, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पीने के पानी का संकट, 3 किलोमीटर पैदल चलकर लाते हैं पानी। प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से निकाले जाने के फैसले से नाराज, कहा मानहानि के खिलाफ अदालत जाएंगे। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा वो 9 फरवरी को पार्टी से दे चुके हैं त्यागपत्र, सिंधिया के खिलाफ दे रहे थे बयान। लॉकडाउन के नियमों के तोड़ने के आरोप में दाती महाराज को गिरफ्तार, तुरंत दी गई जमानत। शनिदेव मंदिर में दाती महाराज कुछ भक्तों के साथ पूजा अर्चना करते आए थे नजर, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया था ख्याल। अलीगढ़ में एसपी युवजन सभा के नेता सलमान शाहिद के खिलाफ केस, राशन बांटने के दौरान भीड़ जमा करने का आरोप। नेशनल हाईवे ट्रक की मरम्मत के दौरान तेल टैंकर में लगी आग, गंभीर रूप से झुलसे 2 शख्स। बहादुरगढ़ के डेकोरा गांव मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक के अपहरण का आरोप। बदमाशों ने डायरेक्टर की पत्नी और पार्टनर से मांगी थी 50 लाख की फिरौती, मुठभेड़ के दौरान फैक्ट्री मालिक को छोड़कर भागे। जूनागढ़ में हॉरर किलिंग के शिकार बने पति पत्नी, अंतर्राज्यीय विवाह से थे नाराज, परिवार वाले कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक शख्स ने 3 करोड़ का बीमा हासिल करने के लिए दोस्त की हत्या की, शव को जलाकर रखा अपना आधार कार्ड, अब पुलिस के शिकंजे में। गोरखपुर में 2 चचेरे अमेरिका में 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, करीब 17 लाख लोगों को वायरस का संक्रमण। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जारी पाबंदियों को दी जाएगी छूट, जल्द खुल सकते हैं पार्लर और सैलून। अमेरिका के सीडीसी ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, कहा प्लेन में आसानी से नहीं फैलता कोई भी वायरस। ब्रिटेन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की इजाजत दी, स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द शुरू किया जाएगा दवा का क्लिनिकल ट्रायल। स्पेन में सुधरते हालात के बीच लॉकडाउन में दी गई ढील, सामाजिक समारोह, बाहरी बैठक और कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों की इजाजत। ब्राजील में कोरोना संकट के बीच रियो के गवर्नर के आवास की पुलिस की छापेमारी, सार्वजनिक संसाधनों के गबन का आरोप। चीन की सर्वे टीम ने मापी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, 8844 मीटर का दावा, पहले से 4 मीटर कम। एयरबस कंपनी की 11 सदस्य टीम ने शुरू की कराची हादसे की जांच, शुक्रवार को गई थी 91 लोगों की जान। खराब मौसम की वजह से टली स्पेस एक्स के ह्यूमन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग, अब शनिवार को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे 2 अंतरिक्ष यात्री। स्पेस एक्स की लॉन्चिंग देखने परिवार के साथ फ्लोरिडा पहुंचे थे राष्ट्रपति ट्रंप, वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।